हेलो, थैंक यू गाइस, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट 11 प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात करते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो पांचवा टी20 मैच खेला गया था और इंडिया ने है ये मुकाबला है जो 7 रन से जीत लिया है। दोस्तों, ये जो पांचों मैच है वो इंडिया ने 5-0 से ख़त्म किया और पाँचों मैच इंडिया ने जीते। दोस्तों, अगर आप इंडिया टीम को प्लीज़ सपोर्ट करते हो, प्लीज़ एक लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, चलिए चलते हैं मैच हाईलाइट पर और कौन से प्लेयर ने कितने रन बनाए और कौन से बॉलर ने कितने विकेट लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, प्लीज़ लाइक कर देना। तो सबसे पहले बात करें, इंडिया ने टॉस जीतकर है जो रोहित शर्मा ने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था। स्कोर आगे और भी बढ़ सकता था, लेकिन रोहित शर्मा के जो पैर में है जो थोड़ी लचक आ गई, उसकी वजह से उन्होंने है जो 17 ओवर में वो वापस चले गए थे। तो 163 रन बने थे भारत के 3 विकेट के नुकसान पर और न्यूजीलैंड ने बनाए 156 रन 9 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, न्यूजीलैंड काफ़ी सारे मैचेज हैं जीतने तक आ गई और बाद में है वो हार गई। सबसे पहले इन्हें थोड़ा ध्यान देना होगा टीम पे, क्योंकि इनके जो लास्ट के जो 4 ओवर होते हैं उनमें न्यूजीलैंड की टीम लड़खड़ा जाती और मैच को, विनिंग मैच को भी हार जाती। दोस्तों, जैसा कि आज और 2 दिन पहले और हुआ जो सुपर मैच में हुआ। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं बैटिंग की। तो न्यूजीलैंड इंडिया की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि इंडिया ने बैटिंग की थी, और केएल राहुल की बात करते हैं। दोनों ओपनर आए, केएल राहुल और संजू सैमसन। दोस्तों, रोहित शर्मा ने अपनी जो ओपनिंग बली है देखे संजू सैमसन को आगे भेजा था, परंतु संजू सैमसन कुछ काम नहीं कर गए, क्योंकि 5 गेंदों के अंदर 2 रन बनाए हैं। दोस्तों, और केएल राहुल काफ़ी मैचों में अच्छे चल रहे और 5 मैचों में बहुत ही अच्छे रन बनाए, परंतु केएल राहुल मुझे लगता है अपनी 50 तक ही सीमित है। दोस्तों, उससे आगे है जो रन नहीं बनाते हैं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं रोहित शर्मा की। रिटायर तो हो गए, परंतु 41 गेंदों के अंदर 60 रन बने और 3 चौके और 3 छक्के की मदद से। दोस्तों, और सुरेश अय्यर की बात करें, आज कुछ ज़्यादा काम नहीं कर गए, क्योंकि दोस्तों नॉट आउट गए। 31 गेंदों के अंदर उन्होंने है जो 33 रन बनाए, 2 छक्के और 1 चौके की मदद से। चलिए अब शिवम दुबे की बात करें, दोस्तों आज बहुत ही महंगे साबित हुए, 6 गेंदों के अंदर 5 रन बनाए हैं। सबसे पहली बात तो ये, मनीष पांडे अच्छे हैं, 4 गेंदों के अंदर 11 रन बनाए। अगर विकेट की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने है उसमें से सबसे जो स्कॉट है वो 2 विकेट ली और बेनेट है उन्होंने 1 विकेट लिया, बाकी किसी को कुछ विकेट नहीं मिले हैं। दोस्तों, चलिए इंडिया के बारे में बात करते हैं। बॉलर की सबसे बड़ी बात, जो भारत ने स्कोर दिया था उनका टारगेट करने के लिए न्यूजीलैंड की टीम उतरी थी और मार्टिन गुप्टिल है जो 2 रन बना के आउट हो गए थे। दोस्तों, हालांकि वो उसे अगर रिव्यू लिया गया होता तो मार्टिन गुप्टिल आउट नहीं होते और इस मैच को भी बदल सकते थे। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं मुंद्रो की। तो मुंद्रो ने 6 गेंदों के अंदर 15 रन बना दिए। दोस्तों, 250 की स्ट्राइक रन रेट, 2 चौके और 1 छक्के की मदद से। दोस्तों, अब टीम साइफर्ट की बात करें, बहुत ही अच्छा प्लेयर है। दोस्तों, 30 गेंदों के अंदर 50 रन बनाए, 3 छक्के और 5 छक्कों की मदद से। दोस्तों, और टॉम आते ही विकेट ले लिया, और रॉस टेलर जिनका 100वां मैच था आज टी20 का, 47 गेंदों के अंदर 53 रन बनाए, 2 छक्के और 5 छक्कों की मदद से। दोस्तों, बहुत ही अच्छे खेले ये भी, अगर इन्हें भी आप सपोर्ट कर दें प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ से बात करें फिर कुछ नहीं, और ईश्वरी आए, 10 गेंदों के अंदर 16 रन बनाए और थोड़ी धड़कने बढ़ा दी भारत की, क्योंकि लास्ट ओवर में 2 छक्के लगाए थे इन्होंने। दोस्तों, और बाकी सब नॉट आउट चले गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब इंडियन बॉलर्स की बात की जाए तो आप सभी को बता देता हूँ, वॉशिंगटन सुंदर ने है जो 20 रन देके 3 ओवर के अंदर 1 विकेट लिया था, और जसप्रीत बुमराह ने 12 रन दिए 4 ओवर के अंदर। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि यह मशीन है। दोस्तों, क्या यॉर्कर डालते और विकेट ले लेते, 3 विकेट लिए इन्होंने, 12 रन दिए ओनली वॉट 4 ओवर के अंदर। नवदीप सैनी ने भी 23 रन दिए 4 ओवरों के अंदर, 2 विकेट लिए, बहुत ही अच्छी बात है। और साधु ठाकुर की बात की जाए तो 4 ओवर के अंदर 38 रन दिए, सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी तो नहीं बोल सकते इन्हें, क्योंकि बॉलर है इस ज़्यादा महंगे नहीं है, क्योंकि 4 ओवर के अंदर 38 रन दिए, 2 विकेट लिए। अब बात करते हैं शिवम दुबे की। दोस्तों, सबसे नीचे है शिवम दुबे और यहाँ पर आपको है जो थोड़ा शो नहीं हो रहा है, तो शिवम दुबे ने दोस्तों 1 ओवर डाला है और 34 रन दिए आपके सामने, 34 रन दिए दोस्तों 1 ओवर के अंदर, सबसे बड़ी, क्योंकि मैच यहीं से ही बदल जाता था। अगर साइफर्ट आउट ना होता तो 100% न्यूजीलैंड ये मैच जीता था, परंतु इंडिया ने 5-0 से ख़त्म किया। दोस्तों, इंडिया टीम के लिए लाइक तो बनता है और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और इंडिया टीम को जरूर लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।